दीपावली का त्योहार अमावस्या के दिन पड़ता है। यह पर्व अमावस्या के घनघोर अंधेरे को दूर करता है। इस रात ऐसा लगता ही नहीं कि अमावस्या है। दीपक की रोशनी अमावस्या की रात को भी रोशन कर देती है और लोगों के घरों में खुशियों और शुभता का आगमन होता है। इस बार दीपावली का त्योहार 19 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन कार्तिक अमावस्या पड़ रही है। ये पूरा महीना शुभ होता है और अमावस्या की रात किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में शुभता लाते हैं। धर्मशास्त्र की माने तो यदि व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा से करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, कुछ उपाय जो लक्ष्मी पूजा के दिन करके आप पुण्य कमा सकते हैं। नंबर एक, अमावस्या के दिन मछली को खाना खिलाएं। इस दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इसे मछलियों को खिलाएं। यह टोटका सुबह और शाम को करें। जो व्यक्ति अमावस्या की रात यह उपाय करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी अटके हुए काम बनते हैं। कारोबारी अवश्य करें। नंबर दो, शुभता के लिए यदि आप घर में शुभता चाहते हैं, किसी प्रकार घर में अशांति है और उसे शांत करना चाहते हैं, तो संध्या समय मां लक्ष्मी और गणेश का पूजन साथ में करें और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा भी उस दिन अवश्य करें। इस दिन नहा धोकर हनुमान चालीसा पाठ का पाठ करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, बाद में इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यदि आप इस दिन चमेली के तेल का दिया तुलसी जी के पास जलाएंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। नंबर तीन, पाप कर्म से मुक्ति के लिए इस दिन लोग अपने पापों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने आपसे, हमसे, सभी से कोई ना कोई पाप अवश्य हो जाता है, तो उसके पश्चाताप के लिए इस दिन चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा देना शुभ माना जाता है। चीनी मिले इस आटे को किसी पेड़ के नीचे डालें, चींटियां अपने आप अपना भोजन कर लेंगी। कहते हैं इस दिन छोटे जीवों को भोजन कराने से पाप मिट जाते हैं और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। नंबर चार, बेरोजगार व्यक्ति यदि घर में कोई बेरोजगार हो, मेहनत करता हो किंतु सफलता हाथ ना लगती हो, तो इस दीपावली की रात किए गए इस उपाय से उसकी नौकरी अवश्य लगेगी। क्या करें, एक नींबू लें और सुबह के वक्त ही उसे धोकर अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसी नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारा करें। उसके बाद इस नींबू को लंबाई में 4 हिस्सों में काट लें। आखिरी में कटे हुए नींबू के चारों हिस्सों को किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। नौकरी का शुभ समाचार जल्द मिलेगा। नंबर पांच, कारोबारियों के पास यदि पैसा नहीं ठहर रहा है तो उसके लिए दीपावली की रात 5 लाल रंग के फूल लें और इन फूलों को 5 जलते हुए दियों के साथ पानी में विसर्जित कर दें। भगवान से आराधना करें कि आपके सभी अटके काम जल्द पूरा करें। कुछ ही दिनों में फर्क नजर आएगा। नंबर छह, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इस दिन भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। हो सके तो गरीबों को दान दे। आपके दान से किए किसी के जीवन की काली अमावस रोशनी में भर जाएगी और आपके जीवन में भी रोशनियां आएंगी। आसपास रहने वाले गरीबों में मिठाई बांटे। गरीबों को दान देने से बहुत पुण्य मिलता है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होंगी। धन्यवाद। और भी अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी दीपावली।